दोस्तों जीवन में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो में पांच ऐसे जानकारी मिलेगी जो आपको जीवन में कभी भी काम आ सकती है तो चलिए बेगर टाइम नष्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर एक जेंडिस की बीमारी क्यों पकड़ लेता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी हमेशा आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है ज़्यादा अंडा खाने से जो है जेंडिस की बीमारी पकड़ लेता है जो लोगों को जेंडिस की बीमारी कभी भी पकड़ लें तो उनको अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इतना गर्म होता है अंडा कि तुरंत जेंडिस की बीमारी हो जाती है सवाल नंबर दो एक दिन में एक आदमी को हरा मिर्च कितना खा लेना चाहिए उससे ज़्यादा खाने से पेशाब रोग होने की संभावना बना रहता है नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसका सही आंसर है दो अंडा खाना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बिल्कुल जो लोग ज़्यादा अंडा खाते हैं उन्हीं लोगों को जेंडिस की बीमारी पकड़ लेती है तो भारी से भारी नुकसान सहना पड़ता है और जेंडिस होने के बाद दूसरा या तीसरा दिन परसूता की बीमारी भी हो जाती है इसीलिए ध्यान में रखें सवाल नंबर तीन गैस्ट्रिक वाले रोगियों को कौन सा चना खाना चाहिए गैस्ट्रिक की बीमारी की अंत होने के लिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों इसका सही आंसर है गैस्ट्रिक वाले रोगियों को कभी भी छोटा वाला चना खाना चाहिए छोटा वाला चना खाने से गैस्ट्रिक की बीमारी की अंत हो जाती है और उसकी नामों निशान तक मिट जाती है एसिडिटी गैस बदर जमी जितनी भी बीमारी है वो पेट में उत्पन्न नहीं होती है तो बीमारी कोई प्रकार की नहीं होती है सवाल नंबर चार भिंडी खाने से यानी भिंडी की सब्जी खाने से कौन ऐसी बीमारी नहीं होती है और फायदा मिलता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसका सही आंसर है पेट साफ़ रहता है और विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है तो पेट की कोई भी बीमारी नहीं होती है आँख की, की रोशनी बना रहता है इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी गर्मियों के मौसम में ज़्यादा खाना चाहिए दोस्तों सवाल नंबर पाँच शाम के समय स्नान करने से स्त्रियों को क्या नुकसान घर में होता है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी आप तक डायरेक्ट पहुंचती रहे दोस्तों इसका सही अंतर है घर में बरक्क़त नहीं होता है और माता लक्ष्मी जी घर से भाग जाती है निकल करके दूसरे लोगों के घर इसीलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि घर में कभी भी स्त्री लोगों को स्नान शाम के समय में करने से मना करना चाहिए थैंक यू दोस्तों